गोष्ठी मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 ब्रजेश कुमार जी महाराज कांकरौली नरेश जी के द्वारा सभी कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है और कांकरौली युवराज श्री श्री 108 बागीश कुमार जी सभी कार्यक्रमों का निर्देशन करते हैं। उसी के तारतम्य में आज श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन सफ़ेद घटा का आयोजन हो रहा है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में बाल स्वरूप की सेवा है और ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। श्रावण कृष्ण पक्ष 13 के दिन से प्रारंभ हुई घटाओं में आज यह अंतिम घटा है, सफ़ेद घटा। सबसे पहले प्रारंभ हुई हरी घटा, आसमानी घटा, गुलाबी घटा, लाल घटा और उसके बाद हुई लहरिया घटा और लहरिया के बाद हुई श्याम घटा भी हुई। श्याम घटा के बाद आज सबसे लास्ट में ये सफ़ेद घटा का आयोजन है और इसी के साथ घटाओं के सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और हिडोला विजय का कार्यक्रम अभी बाकी है और उसके बाद जन्माष्टमी के सभी कार्यक्रम होंगे। जहाँ तक आपने कल ग्रहण की बात की तो ग्रहण के दर्शनों में थोड़ा परिवर्तन है और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक लोग बाग ग्रहण पे बात करते हैं, ग्रहण मूल में क्या है, ठाकुर जी और राक्षसों के बीच हो रहा संघर्ष ही ग्रहण है और पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी के दर्शन ग्रहण में खुले रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को भक्तों की और भक्तों को ठाकुर जी की आवश्यकता है और भक्त ठाकुर जी के साथ रहें इसलिए पुष्टि मार्ग में दर्शन खुले रहते हैं। दर्शनों के क्रम में जो परिवर्तन किया गया है वह यह है कि मंगला ग्वाल श्रृंगार नियमित रूप से होंगे, राजभोग जो 10 से 11 होते थे वह 10 से 10:30 होंगे, उत्थापन के दर्शन 3 बजे होंगे और भोग के दर्शन में 3:35 पर ठाकुर जी को राखी धराई जाएगी और उसके बाद 4 से 4:20 पर हिडोला के दर्शन होंगे और उसके बाद 5 बजे से 5:30 बजे तक सैन के दर्शन होंगे। तत्पश्चात जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होगा ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे और ग्रहण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दर्शन खुले रहेंगे। तत्पश्चात सेवा अंदर ही अंदर चालू रहेगी और प्रातः 4:30 से 5 बजे तक राजभोग के दर्शन होंगे और 8 तारीख को शाम के दर्शन नियमानुसार होंगे। सुबह के सभी दर्शन 4:30 से 5 बजे राजभोग के साथ बंद हो जाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार जी, शास्त्री जी। देखिए, हमारे मंदिर में जो सफ़ेद घटा आज आप देख रहे हैं, ये आज हमारे मंदिर में सबसे लास्ट और सबसे अंतिम घटा है। विगत कई दिनों से हमारे मंदिर में अलग अलग घटाओं का के दर्शन हो रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमारी केसरिया घटा हुई थी, उसके बाद लाल, गुलाबी, हरी, तरह तरह की घटा हुई थी। अभी सबसे लास्ट हमारी जो हुई थी लहरिया घटा हुई थी और उसमें ठाकुर जी के 9 हिडोले लगाए गए थे। आज हमारे यहाँ ये सबसे अंतिम सफ़ेद घटा है और आज के बाद फिर हमारे यहाँ ये अगली साल के लिए प्रोग्राम 1 साल के लिए समाप्त हो जाता है। तो इसमें ठाकुर जी को अलग अलग तरह की अनुभूति कराई जाती हैं, जैसे बादल में जिस तरीके का आसमान में रंग आते हैं उस तरीके के ठाकुर जी को अनुभूति कराई जाती है। तो आज हमारे यहाँ बादल में भी सफ़ेद आसमान है, उसी के हिसाब से ठाकुर जी को सफ़ेद रंग की अनुभूति कराई गई है और अंदर जगमोहन में भी महाराज का स्वरूप दिया गया है। आप देखें महाराज में 16 सखी हैं और बीच में हमारे ठाकुर जी राजाधिराज विराज रहे हैं। हम लोग बदायूं से आए हैं द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन करने के लिए। ये केवल सावन के महीने में घटाएं सजती हैं यहाँ पे, इनका बहुत विशेष महत्व है। आज सफ़ेद घटा सजी हुई है यहाँ पे। पिछली साल हम आए थे तो हम गुलाबी घटा देख के गए थे और इस बार आए हैं तो सफ़ेद घटा द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन किए, बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मन प्रसन्न है बहुत ज़्यादा। बहुत प्रसन्नता होती है मंदिर में आने के बाद। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ और अभी हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, वो लोग भी घूमने आए हैं बधाइयों से। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा। हम तो आज पहली बार ही भगवान के दर्शन करके बहुत मन प्रसन्न है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसको बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ।
हर घर की पहली पसंद शुद्ध वनस्पति तेलों से बनी स्वादिष्ट पौष्टिक नमकीन, जो रखे आपके स्वास्थ्य का ख्याल। बिन्नी नमकीन 5 रुपए के पाउच में भी उपलब्ध है। निर्माता गोयल नमकीन।